तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ WhatsApp की सीक्रेट ट्रिक्स के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं, अगर आप मेरे इस प्लैनेट पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं आता तो बिल्कुल सिंपल है यार, रेड कलर का बटन ना होगा उसको मतलब कुछ भी करो दबाओ, उसके बाद सिर्फ बेल आएगी, बेल को लाजमी दबाना। इसका बेनिफिट ये होगा जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर बेस्ट एंड्रॉयड ऐप्स और टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में लाइक टारगेट आपके सामने आ रहा है, मतलब आपने लाइक टारगेट लाजमी पूरा करना है। और इस वीडियो में मैं जितनी एप्लीकेशन यूज करने वाला हूं उन सारी एप्लीकेशन का आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन से, अब वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 1 की तरफ। तो WhatsApp की जो सबसे पहले नंबर की ट्रिक है, ये ट्रिक ये है कि दोस्तों कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप मतलब पब्लिक प्लेस पे बैठे होते हैं और अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड या आपका बॉयफ्रेंड मतलब कोई इंसान भी आपको वॉइस भेजता है, तो ऐसे हालात में मतलब आप वॉइस को सुन नहीं सकते उधर आप पब्लिक प्लेस में, मतलब अगर आपके पास ना हैंड फ्री है ना आपके पास हेडफोन है या कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप सुन सकें उस वॉइस को। दोस्तों आपने क्या करना है, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिस एप्लीकेशन की मदद से आप उसकी वॉइस को ईजिली सुन सकते हैं कि उसने क्या सेंड किया हुआ है। तो इस एप्लीकेशन का नेम है ट्रांसक्राइबर। दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, इस एप्लीकेशन को जितनी भी परमिशन ये एप्लीकेशन मांगे एप्लीकेशन को दे देनी है। उसके बाद आपने जो सिंपली क्या करना है, परमिशन देने के बाद आपने उसी वक्त व्हाट्सएप पर आना है। व्हाट्सएप में आने के बाद आपने क्या करना है, जिस वॉइस को आप सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वॉइस को सुनना चाहता हूँ, उसके बाद आपने इस पर होल्ड करके रखना है। होल्ड करने के बाद आपने इस बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस बटन पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद वो एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उस एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही उस एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये एक बात याद रहे कि आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए, तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं देखता हूं कि इस एप्लीकेशन क्या बताती है कि क्या लिखा हुआ था। तो देख सकते हैं दोस्तों ये आप इस जो वॉइस भेजी थी ये वॉइस थी हाउ आर यू। तो ये वॉइस आप इजीली मतलब रिटन फॉर्म में देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन आपको वॉइस को कन्वर्ट टेक्स्ट में कर देगी और आप देख सकते हैं कि ये क्या वॉइस थी। तो चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों ट्रिक नंबर 2 ये है कि दोस्तों कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको वॉइस 2-3 वॉइस आपका दोस्त भेज देता है, लेकिन क्या होता है कि पहली व्हाट्सएप में क्या था कि आपकी जो वॉइस थी वो आपको ऑटोमेटिक ऑन करनी पड़ती थी, अगर एक या एक से ज़्यादा वॉइस है ऑटोमेटिक ऑन करनी पड़ती थी। लेकिन क्या है अब व्हाट्सएप आपने क्या करना है, व्हाट्सएप को जाके आप कर लें अपडेट। अपडेट करने के बाद आपने क्या करना है, जैसे सिंपली अगर आप किसी की वॉइस को सुनना चाहते हैं, जैसे कि मैंने ये इस वॉइस को ऑन कर दिया, जैसे ही आप इस वॉइस को ऑन करेंगे तो अगली जो वॉइस है आपकी ऑटोमेटिक ही ऑन हो जाएगी। ये देख सकते हैं वॉइस ऑटोमेटिक ऑन हो गई है, मैंने कुछ भी नहीं किया ना ही कोई बटन दबाया, तो ऑटोमेटिक ऑन हो गई है। तो आपको अपनी क्या करना है, आपको व्हाट्सएप को अपडेट करना है, आप इस फीचर का मजा ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 3 की तरफ। तो ट्रिक नंबर 3 यह है कि दोस्तों कई दफा क्या होता है कि आप पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं और आप किसी से कर रहे हैं चैट, मतलब कुछ भी चैट कर रहे हैं, तो चैट करते वक्त ऐसा क्या होता है कि आप जब चैट कर रहे होते हैं तो दूसरा बंदा मतलब कुछ बंदे होते हैं आपकी चैट की तरफ देख रहे होते हैं, उनको देखने की कुछ आदत होती है, मतलब उनको कोई कीड़ा होता है। तो ऐसे में क्या करना है आपने, आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसका नाम है कर्टेन। जी हाँ दोस्तों आपने क्या करना है, उस एप्लीकेशन को जस्ट सिंपली क्या करना है, आपने उस एप्लीकेशन को चैट कर्टेन को ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करेंगे जितनी परमिशन ये एप्लीकेशन मांगे आपने इसको दे देनी है। अलाउ करने के बाद आपने अपनी व्हाट्सएप पर आना है। व्हाट्सएप में आने के बाद क्या करना है, इस बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे ये देख सकते हैं कर्टेन ओपन हो गया, आप अपनी व्हाट्सएप को पूरी तरह कवर कर सकते हैं और इजीली मत बात कर सकते हैं। दोस्तों एक इस एप्लीकेशन में और भी फीचर आपको देखने को मिल जाता है, वो फीचर कौन सा है, आपने जाना है इस एप्लीकेशन की सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद अगर आपको मतलब कोई कलर ये कलर पसंद नहीं है तो आप इधर से कलर भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के साथ साथ उसकी जो भी ब्राइटनेस है उसको फुल कर सकते हैं और लो भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है, तो देख सकते हैं जो मेरा कर्टेन का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया और आप इसको जितना रखना चाहें इतना रख सकते हैं। तो चलते हैं अपने फाइनल ट्रिक की तरफ। इस ट्रिक का दोस्तों क्या नाम है, क्या काम है वो हम देखते हैं। दोस्तों कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपको एक ही लफ्ज़ बार बार लिखने की ज़रूरत होती है, मतलब बार बार आप एक ही लफ्ज़ लिखते हैं, क्योंकि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो मतलब आप चैट में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अपने मतलब चैट में बहुत ये लफ्ज़ अगर यूज़ करता हूँ, एग्जाम्पल देने के लिए, जैसे कि मैं ये चैट में लफ्ज़ यूज़ करता हूँ,
तो क्या ही ऐसा हो कि अगर ये जस्ट आप वन लिखें या टू लिखें, आपका ये वर्ड पूरा सेंटेंस लिखा जाए। इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उस एप्लीकेशन को क्या करना है, आपने सिंपली एप्लीकेशन का नेम है टेक्सपैंड। जी हाँ दोस्तों, टेक्सपैंड, इसकी मदद से आप इजीली लिख सकते हैं वो सेंटेंस जस्ट एक ही क्लिक में। वो किस तरह लिखना है, जस्ट सिंपली आपने करना है इसको ओपन। एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपने जो सिंपली इस जितनी परमिशन है इसको दे देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस के बटन पे क्लिक कर देना है। प्लस के बटन पे क्लिक करने के बाद फ्रेज के बटन पे क्लिक कर देना है। फ्रेज के बटन पे क्लिक करने के बाद इधर आपने लिखना एब्रीवेशन में वो वर्ड लिखना है जो आप वर्ड लिखे तो सेंटेंस पूरा लिखा जाए। फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूं कि जब मैं इधर 2-3 लिखूं तो इधर लिखा जाए व्हाट आर यू डूइंग। उसके बाद आपने क्या करना है, बैक के बटन पे क्लिक करना है। बैक के बटन पे क्लिक करने के बाद इस ऑप्शन को कर देना है ऑन। उसके बाद आपने क्या करना है, इधर एनेबल के बटन पे क्लिक करना है और इसको परमिशन दे देनी है। जैसे ही आप परमिशन दे देंगे उसके बाद आपने क्या करना है, बैक अपनी व्हाट्सएप पर आ जाना है। व्हाट्सएप पर आने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली ओपन करें। जैसे कि इधर मैं लिखना चाहता हूँ व्हाट आर यू डूइंग, तो इधर आपने जस्ट सिंपली 2 और 3 लिख देना है। जैसे ही 2-3 लिखेंगे उसके बाद ये आइकन आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं ये कंप्लीट सेंटेंस लिखा गया। इस तरह आप कोई भी चीज़ सेट कर सकते हैं और अपना एब्रीवेशन कोई सेट कर लें और उसके बाद कोई भी फ्रेज सेट कर सकते हैं। और ये भी उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। तो इस ट्रिक की मदद से आप थोड़े से वर्ड में मतलब बहुत ज़्यादा सेंटेंस लिख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन को लाजमी दबाना। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।